हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड जो आज का वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैबिन क्रू के एग्जाम्स के बारे में। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि कैबिन क्रू को ईयरली एग्जाम्स भी देने होते हैं, तो मुझे आपके काफी सारे कॉमेंट्स आए थे कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं। सो सबसे पहले हम इसकी एकदम बिगिनिंग से बात करते हैं। जब आप किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एयरलाइंस 3 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में आपको फर्स्ट एड, सेफ्टी, एविएशन सिक्योरिटी, डेंजरस गुड्स, स्मोक ड्रिल्स, फायर ड्रिल्स एंड स्लाइड ड्रिल्स, ये सारे आपको इन टॉपिक्स पे आपको एग्जाम्स देने होते हैं। तो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में आपको जो वहां पे ट्रेनर्स हैं वो इन सब्जेक्ट्स पे आपको अच्छे से ट्रेन करते हैं। देन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, वाइवाज होते हैं। इस तरह से अगर आप इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स को, रिटर्न एग्जाम्स को एंड वाइवाज को क्लियर कर लेते हैं तो आप ट्रेनिंग आपकी पूरी हो जाती है, आपको लाइसेंस मिल जाता है फ्लाई करने का, उसके बाद आपकी फ्लाइंग स्टार्ट हो जाती है। एंड इन सारे एग्जाम्स में आपको कम से कम 90% आपको लाने ही है। सो जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो आपको 1 ईयर का लाइसेंस मिलता है। देन 1 ईयर के बाद में जब आपका लाइसेंस खत्म होने लगता है तो 11th मंथ में आपको फिर से एयरलाइन आपके रिकरेंट ट्रेनिंग के लिए, फिर से आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देती है। तो उसमें आपकी ट्रेनिंग 3 मंथ्स की नहीं होती, जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए थे इन्हीं सब्जेक्ट्स पे आपकी फिर से ट्रेनिंग होगी। आपको 1 वीक या 2 वीक्स में आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। सो जब हम बात करें स्मोक ड्रिल, फायर ड्रिल और स्लाइड ड्रिल्स, तो ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं इनका जो लाइसेंस है वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनकी हमें हर ईयरली एग्जाम्स देनी होती है। सो ये थे आपके क्वेश्चंस। एंड आप मुझे ये भी बहुत ज्यादा पूछते हैं कि ट्रेनिंग में कोई फेल तो नहीं होता, ट्रेनिंग में रिजेक्ट तो नहीं होते। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम ऐसे चांसेस है कि ट्रेनिंग में कोई फेल होता हो, बिकॉज ट्रेनर्स आप पे इतना ज्यादा वर्क करते हैं। आज वो हमें हमारे क्लासेस लेंगे 1 वीक के लिए, देन 1 वीक के बाद में हमारे एग्जाम्स हैं, वाइवाज हैं, प्रैक्टिकल्स हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सडन एग्जाम्स होते हैं, हमें अच्छे से उनकी तैयारी करवाई जाती है एग्जाम से पहले, तो सबके क्लियर हो ही जाते हैं। बट अगर बाय चांस अगर न क्लियर हो तो वो आपको फर्स्ट और सेकंड चांसेस भी देते हैं। सो आई होप आपके सारे डाउट्स थे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।